पिछले भाग में आपने देखा कि प्रिया अपने भाई के शादी का निमंत्रण पत्र देने के लिए जानबूझकर अपनी माँ को सोमवार के दिन लेके जाती है और गीतेश का साड़ी पहनना एक और शख्स को पता चल जाता है जिसे वो सबसे छिपाना चाहता है। हर दिन की तरह अगले दिन मैं कॉलेज गया और इस दिन मैंने फॉर्मल पैंट पहनी थी और अंदर लेडीज अंडरगारमेंट, मेल अंडरगारमेंट पहनना मैंने बहुत दिन पहले से ही छोड़ दिया था। कॉलेज में लंच ब्रेक में प्रिया और मैं वही वाली जगह बैठे थे। प्रिया ने अपने सहेलियों के साथ बैठना बंद किया था और यहाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ। मेरे कई दोस्त मुझे तो गुस्से वाली नजर से देखते थे। उनमें से काफी दोस्तों ने प्रिया को पटाने की कोशिश की है, परंतु प्रिया ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। प्रिया को पटाना इतना आसान नहीं था, फिर भी हम इतने करीब आए जैसे गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हो। अब तो मुझे यकीन भी हो गया कल के किस की वजह से कि प्रिया मुझसे प्यार करने लगी है। शायद इस सब की वजह बाबा हो सकते हैं, क्योंकि जब से मैं हर सोमवार साड़ी पहनकर देवी की पूजा करने लगा तब से मेरा जीवन बदल सा गया है। प्रिया तू आंटी जी को क्यों लेके आई, वो भी सोमवार को? अब ये मेरा सीक्रेट उन्हें भी पता चला। अरे तू टेंशन मत ले उसका, तुम भी हद करती हो प्रिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम्हारी माँ के सामने मैं कौन सा मुँह लेके जाऊँगा? क्या यार गीतेश, दोस्ती में ये सब चलता है। और रही बात मेरी माँ की, तो उन्होंने भी तो तेरी तारीफ की। हाँ पता है, वो सब ठीक है। और कल दो साड़ियाँ लेके आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तू साड़ी पहनकर मेरे भाई के शादी में आने वाला है। अरे प्रिया, मेरे से ये सब नहीं होने वाला। मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो तेरे लिए मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम बुरा मान रही हो। मैंने आज तक साड़ी पहनकर घर के बाहर कदम नहीं रखा है, तुम तो मुझे सीधा शादी में बुला रही हो। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वैसे सब सामान भी नहीं है। प्रिया ने बीच में मेरी बात काटी, कौन सा सामान? तुझे तो पता होगा कि साड़ी पे क्या क्या पहनना पड़ता है, परंतु ये सब मेरे से नहीं होने वाला। मैं मेरी खाने की प्लेट रखने जा रहा था। प्रिया वहीं पर बैठी मुझे देख रही थी। प्लेट रखकर मैं वापस आया तभी प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। क्या तूने पैंटी पहनी है? नहीं तो, ये क्या सवाल है प्रिया? देख, झूठ मुझे पसंद नहीं। मुझे पता है कि तूने पैंटी पहनी है। हाँ पहनी है, तुझे कैसे पता चला? मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। वैसे प्रिया थोड़ी स्मार्ट है। उल्लू, तेरे पैंट पर पीछे से पैंटी की आउटलाइन दिख रही है, आसानी से किसको भी पता चलेगा। मैं थोड़ा डर गया, अब क्या करूँ यह सोच रहा था। वैसे तूने पैंटी क्यों पहनी है? प्रिया, वास्तव में जब ही मैंने पहली बार पैंटी पहनी थी, मुझे मेरे शरीर के अंदर कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, तभी से मैंने पहनना शुरू किया है। मैंने प्रिया से कहा कि मैं आज आगे के लेक्चर्स नहीं बैठने वाला। फिर प्रिया भी बोली कि चलो आज मॉल घूमने चलते हैं। फिर मैंने प्रिया को मेरा बैग लाने को कहा। जब से प्रिया ने वो पैंटी वाली बात कही, मेरी तो उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अगर किसने देख लिया तो मेरी वॉट लग जाएगी। तब तक प्रिया बैग लेके आई। मैंने अपनी बैग के पट्टे को ऐसा एडजस्ट किया कि मेरा पूरा पिछवाड़ा कवर हो जाए। उसके बाद प्रिया और मैं लेक्चर बंक मार के मॉल चले गए। मॉल के अंदर जाने के बाद प्रिया लेडीज फुटवेयर स्टोर में मुझे लेके गई। अंदर जाने के बाद हम वहाँ पर बैठे। शॉप से एक महिला हमारे पास आके प्रिया से पूछा कि बोलो मैडम, क्या लेना पसंद करोगी आप? प्रिया ने कहा कि लो हील वाली सैंडल दिखाना। फिर वो महिला वहाँ से जाती है। थोड़ी देर में उसने 4-5 जोड़ी हील्स लेके आई। फिर प्रिया से कहा, जी ये लो पहन कर देखो। इस पर प्रिया कहती है कि मेरे लिए नहीं, इसके लिए चाहिए। वो सुनकर मेरी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। फिर वो महिला ने बिना कुछ सवाल किए मुझसे पूछा, जी आपका पैर का साइज क्या है? मैंने 9 कहा और वो पहले लाए हुए सब सैंडल लेके चली गई। फिर मैंने प्रिया से पूछा, ये सब क्या है प्रिया? ये सब तेरा सामान है जो तेरे पास नहीं है।
परंतु ये सब महंगा होगा ना। तू उसकी चिंता मत कर, बस इतना बता तू मेरे लिए ये सब करेगा क्या नहीं। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैं कोशिश करूँगा। तभी प्रिया के चेहरे पर दुगनी मुस्कुराहट आती है। ये हुई ना बात, तभी वो महिला 4-5 लोही लेके आई और कहा कि साइज थोड़ी बड़ी होने के कारण ज्यादा वैरायटी नहीं है। प्रिया ने उनमें से गोल्डन वाली सैंडल चुनी और मुझे ट्राई करने को कहा। मैंने अपने सैंडल्स निकाल कर हील्स पहन ली, एकदम परफेक्ट फिट हो रहे थे। प्रिया ने बिना कुछ सोचे वो पैक करने को कहा। वो महिला मेरे तरफ देखकर स्माइल दे रही थी, शायद पहली बार उनके शॉप में ऐसा हुआ हो। सैंडल की कीमत 2000 थी। प्रिया ने बिना कुछ सोचे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। उसके बाद उसने मेरे लिए मेकअप का सामान और डैंगलिंग वाले झुमके लिए। मॉल में उसने मेरे कान भी छिदवाए, वहाँ पर मेरे कान में स्टड्स डाल दिए, फिर एक बढ़िया विग खरीदा। पूरी शॉपिंग होने के बाद हम मॉल से निकल पड़े। मेकअप का सामान मैंने अपनी बैग में डाला, विग और सैंडल की थैली हाथ में थी। उसके बाद प्रिया ने मुझे घर ड्रॉप किया जाते जाते कहा कि मैंने तेरे लिए ब्लैक वाली साड़ी चुनी है और उसका ब्लाउज स्लीवलेस सिलवाना। फिर वो अपने घर चली गई। मैं सब सामान लेकर घर गया। माँ ने मेरे हाथ में सामान देख के चौंक जाती है। ये सब क्या है गीतेश? माँ, ये सब प्रिया ने खरीद के दिया है। वो चाहती है कि मैं साड़ी पहनकर उसके भाई के शादी में आऊं। मैं उसे मना नहीं कर पाया। और ये देखो, उसने मेरे कान भी छिदवाए। अच्छा किया उसने तेरे कान छिदवाए। वैसे मैं तुझसे कहने वाली थी, माँ मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जाकर साड़ी संभाल पाऊंगा या नहीं। एक काम कर, आज से हर दिन दोपहर को पिताजी आने तक साड़ी पहना कर, फिर तुझे आदत पड़ जाएगी। ठीक है फिर। और एक बात, प्रिया ने वो दो साड़ियों में से ब्लैक साड़ी मुझे पहनने को कही है और ब्लाउज स्लीवलेस सिलाने के लिए कहा है। क्या स्लीवलेस? यहाँ आज तक मैंने कभी स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहना। तो फिर आप भी स्लीवलेस ब्लाउज सी लाओ। नहीं बाबा नहीं, मेरी स्लीवलेस पहनने की उम्र नहीं है। आजकल की लड़कियां भी ना कपड़े कम और शरीर ज्यादा दिखाती है, उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। माँ, वो आज का फैशन है, आप नहीं समझोगी। वो छोड़ो, क्या आपकी टेलर मुझे स्लीवलेस ब्लाउज सिला के दे सकती है? तू एक काम कर, किसी अच्छे लेडीज टेलर के पास जाके सिलवा ले। अगर लेडीज टेलर की दुकान में जाते किसी ने देखा तो। एक काम कर, प्रिया को लेकर जा। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। खाने के बाद मैंने आधा घंटा आराम किया, फिर माँ को कहा कि मुझे साड़ी पहननी है। फिर माँ ने कहा, जा मेरे अलमारी से ले ले, वहाँ तेरे नाप के ब्लाउज भी रखे हैं। मैं माँ के अलमारी की तरफ बढ़ा, वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ थी। मैं जैसे उलझन में पड़ गया इतने सारे रंग देखकर। ये वाली लू क्या वो वाली? 10 मिनट लगे मुझे साड़ी चुनने को, तब तक माँ वहाँ पे दाखिल हो गई। अब तक साड़ी नहीं चुनी? हाँ ना, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पहनूं। तू तो अब लड़कियों जैसा सोचने लगा है। इस बात पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरी में मैंने शिफॉन लाल प्लेन साड़ी चुनी और काला ब्लाउज लिया। काले रंग के ब्लाउज कौन सी भी घरेलू साड़ी पर मैच करते हैं। फिर मैंने माँ को कमरे से बाहर जाने को कहा। ब्लाउज पेटीकोट ब्रा पहना। उसके बाद मैंने साड़ी पहनना शुरू ही किया, तभी मेरा फोन बजने लगा। वो प्रिया थी। मैंने साड़ी बांधना छोड़कर प्रिया का कॉल उठाया। हाय गीतेश, खाना खाया? हाँ आधा घंटा हुआ खाना खाके। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, साड़ी पहन रहा था, तब तक तेरा कॉल आया। क्या तू साड़ी पहन रहा है? हाँ थोड़ी आदत डालनी है, क्योंकि तूने मुझे अपने भैया के शादी में साड़ी पहनकर आने को जो कहा है। अगर साड़ी पहनकर मैं मर्दों वाली चाल में चला तो कोई भी मुझे पहचान लेगा कि मैं एक लड़का हूँ। फिर प्रिया फोन काट देती है। तुरंत उसका वीडियो कॉल आता है। मैंने कॉल उठाया। मुझे भी देखना है तू कैसे साड़ी पहनता है। ठीक है, मैं मोबाइल कैमरा टेबल पर सेट करके फोन के सामने खड़ा हो गया। फोन से दूर खड़ा था इसलिए मैं स्क्रीन पर कुछ देख नहीं पा रहा था।
फिर मैंने साड़ी पहनना शुरू किया। 4-5 मिनट में मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी पहनने में माहिर हो चुका था। उसके बाद मैंने फोन उठाया और स्क्रीन पे देखा तो प्रिया की माँ भी मुझे देख रही थी। शायद उन्होंने भी मुझे साड़ी पहनते हुए देख लिया। उस समय दोनों का चेहरा देखने लायक था। आंटी जी ने मुझे पूछा कि बेटा साड़ी पहनना किसने सिखाया। आंटी जी मेरी माँ ने। तुम बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांध लेते हो। थैंक यू आंटी जी। आंटी फिर चली जाती है। तब प्रिया कहती है कि यार इतनी फास्ट और परफेक्ट साड़ी बांधना मेरी माँ को भी नहीं आता। वो बात नहीं है प्रिया, साड़ी बांधना एक कला है। हर दिन प्रैक्टिस करो तो तुम भी उसमें माहिर हो जाओगी। इसका मतलब तू हर दिन साड़ी पहनता है ना? नहीं प्रिया, मैंने एक सोमवार को बार बार साड़ी पहनकर उतारता रहा, क्योंकि हर बार मुझे माँ को बुलाना ना पड़े इसीलिए। अब क्या करेगा साड़ी में? कुछ नहीं, अब थोड़ी आदत डाल लेता हूँ साड़ी में रहन सहन की। चल फिर मैं कॉल रखती हूँ। रात को बातें करते हैं, स्क्रीन पर किस देते हुए उसने कॉल काट दिया। उसके बाद मैं और माँ सीरियल देखने लगे। मुझे भी टीवी सीरियल दिलचस्प लगने लगी। ज्यादातर मैं सीरियल में औरतों को कम उनकी साड़ियों को गौर से देखता था, परंतु सीरियल में अधिकतर सभी अभिनेत्रियां साड़ी का पल्लू खुला रखते हैं। मेरी दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी हाउसवाइफ अपना पल्लू खुला नहीं छोड़ती। खुले पल्ले में एक हाथ व्यस्त हो जाता है। शायद सिर्फ फंक्शन में ही ऐसे तरीके से साड़ी पहनते हैं। मुझे भी खुले पल्ले की साड़ी पहननी है। मैं सोच रहा था कि प्रिया के भाई के शादी में मैं ऐसे ही खुले पल्लू वाली साड़ी पहन कर जाऊं। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।